अलग तरह का फैशन लोगों के बीच देखा जा रहा है और वो है फोटोग्राफी का। लोग अपने कैमरे से जहां चाहे वहां फोटो निकालने लगते हैं। हर किसी के दिमाग में फोटोग्राफी का भूत सवार है। इस बीच क्या आपको पता है कि सबसे पहली फोटो कब खींची गई थी और वो कैमरा कैसा था? पहली तस्वीर संभवतः 1825 में ली गई थी, लेकिन भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर के रहने वाले सुरिंदर के पास एक ऐसा कैमरा है जो 1860 के दशक का है। सुरिंदर जयपुर के फोटोग्राफर हैं जो 1860 के जर्मनी में बने कैमरे से आज भी गुजारा कर रहे हैं। कार्ल जाइस का उनका कैमरा आज दुनिया का सबसे पुराना कैमरा कहा जा सकता है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध स्मारक हवा महल के सामने फुटपाथ पर लगा उनका यह कैमरा राहगीरों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुरिंदर और उनके भाई टीकम चंद का कहना है कि उनको यह कैमरा उनके दादाजी पहाड़ी लाल से विरासत में मिला, जो जयपुर के महाराजा के शाही फोटोग्राफर थे, और तब से जर्मनी का यह कैमरा उनकी तीन पीढ़ियों की एकमात्र आमदनी का जरिया बना हुआ है। सुरिंदर का कहना है कि कैमरा भले ही पुराना पड़ गया हो, लेकिन उनके कैमरे का लेंस आज भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है और बेहतरीन फोटो खींचता है। वे कहते हैं जिस दिन यह लेंस खराब हुआ या टूटा, उसी दिन उनकी जिंदगी भी टूट जाएगी। लकड़ी से बना यह 20 किलोग्राम का कैमरा लकड़ी के ही एक टूटे से ट्राइपॉड पर पत्थरों के सहारे टिका है। मजे की बात यह है कि इसे एक छोटा डार्क रूम भी कहा जा सकता है, जहां फोटो पेपर पर लेंस की मदद से फोटो खींचने के बाद कैमरे में ही मौजूद केमिकल्स से इसे धोया जाता है और पूरी प्रक्रिया में मात्र 5 मिनट समय लगता है। 10 फोटो खींचने और डेवलप करने के बाद उसे बाहर निकाल कर सादा पानी से धोया जाता है। लुप्त हो गए इस कैमरे के फोटो धोने वाले केमिकल्स भी लुप्त होते जा रहे हैं। सुरिंदर बहुत ही मुश्किल से पर फिर भी किसी तरीके से इनका जुगाड़ कर ही लेते हैं। 5 मिनट में तैयार हुआ ये फोटो कभी लोगों की बड़ी जरूरत हुआ करता था। पासपोर्ट और अन्य फार्मों पर लगाने के लिए इसे खिंचाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, पर बदलते वक्त के साथ डिजिटल कैमरा